हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाए गए। हर की पौड़ी में जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों से बारिश की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इस वीडियो को शेयर किया। इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है। सीएम धामी खुद कांवड़ यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों के लिए मुरादानगर नहर पर बड़ा पड़ाव लगाया गया। यहाँ शिव भक्तों का जमावड़ा लगा। कांवड़ियों के लिए जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए गए। उनकी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। गाजियाबाद पुलिस ने मेरठ परतापुर बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक पूरी यात्रा को अलग अलग जोन और सेक्टर्स में बांटकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। यूपी के हाथरस में कांवड़ियों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों को रौंद डाला। रात के करीब 2 बजे कांवड़ियों का एक जत्था खाने बैठा था, तभी एक डंपर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में 7 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 1 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे। सभी मृतकों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर बने कमरे में 2 लोगों ने गैंगरेप किया। बाकी 2 आरोपी घटना के समय दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे। एक शख्स को पीड़ित महिला के पहले से जानती थी। गैंगरेप के सभी आरोपी रेलवे कर्मचारी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रोहतक में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपने ही माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कई साल से बेटे और पिता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार के होटल को बेटा अपने नाम करवाना चाहता था। पिता के नहीं मानने पर शराब के नशे में बेटे ने माता पिता दोनों के सिर में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। आगरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। तपंचे के बल पर बदमाशों ने एक ऑफिस के 4 कर्मचारियों को डराया धमकाया। 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लूटी गई रकम हवाला कारोबार की है। जल्द ही दोषियों को पकड़कर उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक शख्स को बुरी तरह से पीटने की घटना सामने आई है। ये शख्स नशे की हालत में ट्रक चोरी कर रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थी। फैक्ट्री कर्मचारियों ने चोर को पकड़ा और उसके साथ मारपीट की। चोर के पैर बांधकर उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए, फिर उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर थाने लाए। पुलिस ने पीटने वालों के खिलाफ कानून अपने हाथ में लेने की वजह से कार्रवाई की है। हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के मीरापुरम में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। यहां पर दोपहर 2 बजे करीब एक ज्वेलरी शॉप को लूटा गया। 2 बदमाशों ने नकली बंदूक दिखाकर ज्वेलरी लूटी, लेकिन तभी दुकान के मालिक वहां आ गए और बदमाशों के साथ हाथापाई हुई, जिसके बाद बदमाश लूटी हुई ज्वेलरी, नकदी और नकली बंदूक अपनी कार छोड़कर सब फरार हो गए, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में आर्थिक तंगी की वजह से लूट की घटना को अंजाम देने की बात सामने आई। झारखंड के चांदपुर गांव में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस गांव में बंगाल से कुछ लोग आए थे, जिन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर कई परिवारों का धर्मांतरण करवाया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो धर्मांतरण करवाने वाले लोग फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के जयपुर से वाटर लॉगिंग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सड़क पर पानी भरने से एक कार पानी में तैरती नजर आई। यहाँ पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्लों बाजारों में पानी भर चुका है। वाटर लॉगिंग की वजह से कई गाड़ियां घंटों तक पानी में फंसी रही। भारी बारिश की वजह से हैदराबाद में भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। मूसलाधार बारिश के बाद राजेंद्र नगर, उपरपल्ली और 191 पिलर वाले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। शहर में ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। पुलिस ने लोगों को भारी बारिश के तुरंत बाद अपनी यात्रा शुरू करने से मना किया है। राजगढ़ में बारिश की वजह से 1-2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गए। हादसे में मकान में रहने वाली एक महिला दब गई। महिला के साथ एक बकरी भी दबी थी, जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन महिला की सांसें अभी चल रही हैं। महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नगरपालिका और स्थानीय पुलिस मिलकर महिला को मलबे से निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। तेलंगाना में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया। सिकंदराबाद के निचले हिस्सों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम लग रहा है और लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। राज्य में बाढ़ से अब तक 1400 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर केंद्र से मदद भी मांगी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक ऑटो ट्रक से टकरा गया। ऑटो में 18 लोग सवार थे। दुर्घटना रात के करीब 11 बजे हुई है। ये सभी लोग एक शादी में जा रहे थे। टक्कर के बाद 4 ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। बाकी 14 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है।
हरियाणा के मेवात में खौफनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। रात 2:30 बजे के करीब जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ उस समय बारिश हो रही थी। ऑटो में 11 लोग सवार थे जिनमें से 7 की घटनास्थल पर ही ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना की शुरुआत हुई है। 3 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना से हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। पानी के ऊपर तैरने वाला सोलर पैनल लगाने से 12 एकड़ की जमीन की बचत हुई। हर साल 54,000 टन कोयले की भी बचत होगी। परियोजना के एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से कार्बन के एमिशन में भी हर साल 3 टन की कमी आएगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा अभियान को लेकर सूरत में मनाए जा रहे हैं 1 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज। यहां करीब 4,000 लोग तिरंगा बनाने का काम कर रहे हैं जिनमें 3,000 महिलाएं शामिल हैं। तिरंगा बनाने के लिए खास तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इस तरह से कलरिंग और प्रिंटिंग की जा रही है जिससे झंडा दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई दे। असम के गुवाहाटी में सुरक्षा बलों ने 4 लड़कियों को देव व्यापार के दलदल में फंसने से बचा लिया। ये सभी लड़कियां नाबालिग हैं, बांग्लादेश की रहने वाली हैं। कामाख्या रेलवे जंक्शन पर स्थानीय पुलिस जीआरपी और आरपीएफ के साथ मिलकर ड्राइव चला रही थी तभी इन लड़कियों के बारे में पता चला और उनका रेस्क्यू किया गया। इनके पास से नकली आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में जुआ खेलने के आरोप में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इंदिरा चौक पर अकबर नाम का शख्स लोगों को जुआ खेलने के लिए अपने घर पर बुलाता था जहां पर लोग दूर दूर से जुआ खेलने आते थे। अकबर के घर पर सुबह से लेकर देर शाम तक जुआ खेला जाता था। पुलिस ने छापेमारी करके अकबर और उसके सहयोगी समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इनके पास से करीब 4 लाख रुपए कैश और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।